एजेंसी में आप सुबह की सलामती हो। मैं हूँ आपकी होस्ट अनम वारिस और मैं आपके लिए प्रोग्राम लेके आई हूँ साथी हाथ बढ़ाना। और जैसा कि इस प्रोग्राम में ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प की जाती है, आज हमारे पास एक बहन आज इस प्रोग्राम में आई हैं तो हम उनसे मिलेंगे। इससे पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ। उनका ताल्लुक खेल के मैदान से है और वो मसीही कौम का फ़ख्र है और हमारे मुल्क का भी फ़ख्र है। वो एक नेशनल साइकिलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आज वो इस प्रोग्राम में साथी हाथ बढ़ाना में आई हैं अपनी रिक्वेस्ट लेकर। आए हम उनसे मुलाकात करते हैं। स्नेहा, मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम साथी हाथ बढ़ाना में। सबसे पहले तो मैं आपके शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी रिक्वेस्ट को सुना और मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मेरा नाम स्नेहा है, मैं मसीही घराने से ताल्लुक रखती हूँ और मैं बीकॉम में स्टडी करती हूँ और मैं नेशनल साइकिलिस्ट हूँ। स्नेहा, जैसा कि आपने बताया कि आप साइकिलिंग करती हैं, तो आप इस फील्ड में किस तरह से आई, किसी से इंस्पायर होके या कैसे, कब से साइकिलिंग कर रही हूँ? मैं तकरीबन 2021 के लास्ट में मैंने साइकिलिंग ज्वाइन की और मैं यहाँ पे आने का मेरा मकसद, मतलब इंस्पायर मैं किससे हुई, वो मेरी एक नेबर थी जो एक इंटरनेशनल साइकिलिस्ट थी जिन्होंने इंडिया में सिल्वर मेडल भी हासिल किया हुआ है। तो वो मेरे घर के मतलब आते आना जाना वो अपना साइकिलिंग पे करती होती थी, तो मैं इनको देख कर इंस्पायर होती थी। एक लड़की होने के बावजूद वो अपना सफ़र अकेले करती हैं, तो इससे वे मैं मुझे इंस्पायर हुई। और तब मेरी मैट्रिक क्लियर हो चुकी थी, तब मुझे भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए था आगे स्टडी करने के लिए, क्योंकि मेरे बाबा इतने हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस वजह से मैंने मिस से जब बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि आप स्पोर्ट्स के ज़रिए स्टडी भी कर सकते हो। तो इस तरह मेरा स्पोर्ट्स में पहला कदम रखा मैंने, और स्पोर्ट्स में जब उन्होंने मेरी स्किल्स को देखा तो उन्होंने मुझे साइकिलिंग में आने का मौका दिया। और साइकिलिंग में खुदा ने मुझे इतना कामयाब किया, कामयाबी आपके सामने है। तो स्नेहा, जब आपने स्पोर्ट्स को चूज़ किया तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली पहले इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जब मैंने उनको बस ये कहा कि मैं ना कॉलेज ना स्पोर्ट्स बेस पे करना चाह रही हूँ, उस पर हमारे इतने मतलब अखराजात भी नहीं आएंगे और मैं एक फ्री कोर्स में स्टडी भी कर लूँगी, तो मेरे बाबा पहले नहीं थे इतना इन मेरे साथ। लेकिन जब मैंने पहली नेशनल खेली जैन में, जैसे मैं 2021 के लास्ट में गई थी, तो 2022 के फर्स्ट मंथ में ही मतलब मेरी एक नेशनल आ गई, तो उसमें खुदा की वजह से मैं सेलेक्ट भी हो गई और मेरा चली गई और वहाँ पे मैं ब्रॉन्ज हुई दो रेसेस में। तो जब मैं वहाँ से आई तो मेरे फादर एकदम हैप्पी हुए, उनको कुछ शायद कुछ चाम नज़र आया, तो उन्होंने तब मेरे साथ उन्होंने मेरी और ट्रेनिंग मज़ीद करवाई कि मैं आगे बढ़ सकूं। तो स्नेहा, जैसे कि आपके पापा रिक्शा ड्राइवर हैं, तो काफ़ी मुश्किल होती होगी क्योंकि आपने बताया कि आपके पास अपनी साइकिल भी नहीं है, तो फिर किस तरह से आप ट्रेनिंग करती हैं और ये इवेंट जो आपने खेले हैं तो कैसे पॉसिबल हुआ क्योंकि आपके पास तो अपनी साइकिल भी नहीं है? जो मैंने क्लब ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे एक लोहे की साइकिल दी जिसमें मैं अभी भी ट्रेनिंग कर रही हूँ। वैसे प्रोफेशनली आपको कार्बन की साइकिल की नीड होती है, लेकिन मेरे पास लोहे की साइकिल है, तो मेरे बाबा मुझे पहले सुबह सुबह लेके, जब मैं बिल्कुल न्यू थी तो मेरे साथ कोई इतना ट्रेनर ट्रेनिंग नहीं था कर सकता, क्योंकि प्लेयर्स काफ़ी अच्छे से साइकिलिंग करते हैं और मैं उनके साथ नहीं थी मिल पाती, तो मेरे बाबा सुबह सुबह मुझे ऑटो पे वो होते थे और मैं साथ साइकिलिंग में होती थी, तो वहाँ मेरे बाबा मुझे अकेली को ट्रेनिंग करवा के लाते होते थे। उसके बाद जैसे मैं आगे बढ़ी तो मुझे, मैं प्लेयर बनी अच्छे से, मैं साइकिलिंग करना स्टार्ट होगी, तो तब मैंने प्लेयर्स के साथ बाद में ट्रेनिंग स्टार्ट की एक साल पहले, वरना एक साल पहले मेरे बाबा ने और मेरी कोच ने मेरे साथ ट्रेनिंग में उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। बहुत अच्छी बात है कि आपने मतलब एक लोहे की साइकिल पे स्टार्ट किया और आपने नेशनल खेली है और अब आपने ये रिसेंटली आपने नवंबर में गोल्ड मेडलिस्ट हुई हैं, आपका नाम जो है वो नॉमिनेट हुआ है इंटरनेशनली तौर पे, तो अब आपको कैसा लगता है और आपकी फैमिली ज़्यादा खुश है या आपको वो चाहते हैं कि और ज़्यादा आप करें? मेरी फैमिली बहुत खुश भी है और थोड़ी सी परेशान भी है, क्योंकि एक प्लेयर की बहुत सारी नीड्स होती हैं, जैसे डाइट का उसका बहुत ज़्यादा होता है कि उसके डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और एक जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास अपनी साइकिल नहीं है,
तो साइकिल का भी एक उनको होता है, उनको वो बड़ा बीच में डिप्रेशन में, बीच में मेरे बाबा थोड़े ना रिग्रेट हो जाते हैं, रिग्रेट करते कि मैं इतना नहीं हूँ कि मैं अपनी बेटी को अच्छी साइकिल लेके दे सकूँ। बहुत साइकिल क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है आपको पता है, तो इस वजह से ना मेरे बाबा कभी कभी होते हैं, लेकिन वो एक ध्यान से खुश है कि मेरी बेटी अपनी मसीही कौम का नाम रोशन कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। और मैं एशियन गेम है तो उसमें मैं चाहती हूँ कि एक अपनी साइकिल हो और मैं उधर जा के पार्टिसिपेट कर सकूं। और जैसा कि मैं भी स्पोर्ट्स से ही बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि अगर आपके पास अपनी कार्बन की साइकिल नहीं है तो आप जो है वो इंटरनेशनल तौर पर टूर नहीं कर सकते, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो जबकि आपका नाम तो नॉमिनेट हुआ है। अभी मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि किस तरह से इन्होंने इतने ज़्यादा मेडल्स लिए हैं, ट्रॉफी लिया है, तो स्नेहा क्या आप बताएंगी कि ये ट्रॉफी जो आपने लिया है ये कौन से इवेंट में लिया आपने? ये 68 नेशनल ट्रैक चैम्पियनशिप की ट्रॉफी है जिसमें ट्रैक में ऑल सूबे पार्टिसिपेट करते हैं पाकिस्तान के, और तब इसमें से लड़कियां जो होती हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, मेंस का भी होता है वुमेंस का भी होता है। और इसमें ट्रैक चैम्पियनशिप में हम जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें जो चैम्पियन होता है उस गेम का उसको ये ट्रॉफी दी जाती है प्लस मेडल, और जो चैम्पियन होता है वो नॉमिनेट होता है एशियन गेम के लिए, ताकि उधर जो ट्रैक चैम्पियनशिप है उधर हमारे चैम्पियंस की एक टीम बना के वहाँ पे भेजी जाती है। तो अब जबकि आपके नॉमिनेट हो चुकी हैं कि आप पाकिस्तान की चैंपियन हैं, तो अब आप इवेंट खेलेंगी, तो उस इवेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अपनी साइकिल हो, क्योंकि अगर जिनके पास अपनी साइकिल नहीं होती वो उस इवेंट को नहीं खेल सकते। इसी तरह ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी लास्ट ईयर भी मेरा ना लंदन में सिलेक्ट हो गई थी, मैं इधर ट्रायल्स में, लेकिन मैं साइकिल की वजह से नहीं थी गई जा पाई, तो इस साल मैं वो नहीं रहना चाहती फिर से कि एक इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं पीछे रह जाऊं, इतनी स्ट्रगल। ये लास्ट ईयर भी ये वाला हुआ था, लास्ट ईयर मैं इवेंट नहीं खेल पाई, कुछ प्रॉब्लम्स थी आप ये कह लें, और इस साल जब हुआ है तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं साइकिल का अरेंज करूं, इसीलिए मैं आप लोगों के पास रिक्वेस्ट लेके आई हूं, और आप सब से भी कि आप सब मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं एशियंस गेम में जाके अपने पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सकूं और अपने मसीही कौम का नाम रोशन कर सकूं और अपने किरदार से मसीह की गवाही दे सकूँ। नाजरीन आप ज़रूर स्नेहा की हेल्प कीजिए, क्योंकि स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है जैस कैश और इजी पैसा, तो आप इसमें इनकी मदद कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए, और आप ज़रूर इनकी मदद करें ताकि ये जो है इवेंट खेल सकें और पाकिस्तान का और मसीही कौम का नाम जो है वो रोशन कर सकें। शुक्रिया।